नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल उस माध्यम को बोला जाता है जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा रहा हो। आमतौर पे इंफॉर्मेशन को गिव एंड टेक करने के लिए या सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए कई तरह के वायरलेस माध्यम जैसे इंफ्रारेड, ब्लूटूथ वगैरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब कभी वायर्ड मीडियम की बात आती है, वायर्ड मीडियम मतलब केबल्स के थ्रू किया जाने वाला ट्रांसमिशन या केबल के थ्रू की जाने वाला सूचनाओं का आदान प्रदान, जब केबल्स के थ्रू सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है तब उस प्रकार के कम्युनिकेशन को वायर्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है। और तब उस परिस्थिति में जो भी केबल का या वायर का प्रयोग किया जाता है तब उस वायर को या उस केबल को कम्युनिकेशन चैनल कहा जाता है। ये कहा जा सकता है कि कम्युनिकेशन चैनल वो वायर या केबल है जिसके थ्रू या जिसके वाया हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। अ कम्युनिकेशन चैनल इज अ टाइप ऑफ मीडिया दैट इज यूज टू ट्रांसफर अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन डिवाइस और मशीनरी टू अनदर डिवाइस। कम्युनिकेशन चैनल के रूप में कई तरह की केबल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और उन सारी केबल्स को मोटे तौर पर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है ट्विस्टेड केबल। ट्विस्टेड केबल ऑर्डिनरी कॉपर वायर रहती है, साधारण कॉपर की तार जिसमें आमतौर पे दो या दो से ज्यादा केबल की कॉपर्स आपस में मुड़ी हुई लिपटी हुई रहती हैं। इस तरह से उनको लपेटा इसलिए जाता है ताकि उनके थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट वेव्स पास हो रही हैं वो आपस में क्रॉस टॉक या इंटरफेरेंस ना करें। यदि उन केबल्स को सीधा सीधा रखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स जो ट्रांसफर हो रही हैं वो आपस में कहीं ना कहीं क्लैश होंगी, टकराएंगी, और ऐसा ना हो इसके लिए उनको आपस में डीएनए के शेप में लपेटा जाता है। आमतौर पे जो बिजली की तार आपने देखी होंगी, बिजली की तार लाल और काले कलर की आपस में लिपटी हुई रहती हैं, लगभग वैसे ही इस तरह की केबल में दो या दो से ज्यादा कॉपर वायर्स को आपस में लपेट करके रखा जाता है। डेटा ट्रांसफर करने का ये सबसे सरल और सस्ता माध्यम है। सस्ता माध्यम इसलिए क्योंकि बाकी के जो हम चैनल्स पढ़ेंगे वो इसकी तुलना में थोड़े ज्यादा प्रभावशाली यानी इफेक्टिव होंगे और इसकी तुलना में थोड़े कॉस्टली भी होंगे। इन्फॉर्मेशन को गिव एंड टेक करने के लिए सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा उपलब्ध होने वाला माध्यम ट्विस्टेड केबल ही कहलाता है। ट्विस्टेड वर्ड ट्विस्ट शब्द से लिया गया है, ट्विस्ट का मतलब मुड़े होने से है। तो ट्विस्टेड केबल को आप ऐसे पहचानेंगे कि आमतौर पर इसकी संरचना में जितनी भी कॉपर केबल्स अवेलेबल होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मुड़ी हुई अवेलेबल होती हैं और अदर केबल्स के तुलना में इस केबल की कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है डेटा ट्रांसफर के मामले में। डेटा ट्रांसफर करने के लिए उपयोग में ली जा सकने वाली दूसरी तरह की केबल कहलाती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल डेटा ट्रांसफर करने के केस में ट्विस्टेड केबल से ज्यादा कॉस्टली भी होती है और ज्यादा इफेक्टिव भी होती है। कोएक्सियल केबल आमतौर पे कॉपर की इंसुलेटेड केबल होती है जिसे शील्ड किया जाता है और बहुत ज्यादातर इसको कंप्यूटर नेटवर्क्स में या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसके अलावा हमारे घर में जो डिस्क कनेक्शन दिया हुआ रहता है या केबल कनेक्शन रहता है, केबल कनेक्शन के लिए जिस तार को आमतौर पर हमें प्रोवाइड किया जाता है वो यूजुअली कोएक्सियल केबल का ही एक प्रकार है। जब उस केबल को आप काटेंगे तो उसके अंदर आपको प्लास्टिक का एक सॉफ्ट कवर और उसके भी अंदर आपको कॉपर की एक केबल मिलेगी। वो कॉपर की एक केबल प्राइमरी चैनल है जो डेटा को ट्रांसफर करने का काम करती है, विच सर्व्स एज अ प्राइमरी चैनल, और उसके आसपास में प्लास्टिक का व्हाइट कलर का, आमतौर पर व्हाइट कलर का प्लास्टिक इंसुलेटर लगा रहता है जो कि उसके डेटा को सिक्योर करने का काम करता है। इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स या जो डेटा ट्रांसफर होता है उस कॉपर वायर से उसको सिक्योर करने का काम भी, उसे किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं हो, बाहरी डेटा उसको कहीं से प्रभावित ना करे,
इसका सुरक्षा का कार्य भी उस प्लास्टिक इंसुलेटर का ही होता है। एम्पलीफायर जैसे डिवाइस का प्रयोग करना पड़ सकता है, इसको हम कुछ इस तरह समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक केबल है, कॉक्सियल केबल, और यहां पर अभी जब उसके सिग्नल्स निकले तो सिग्नल्स स्ट्रांग हैं, यानी शक्तिशाली सिग्नल्स हैं। लंबी दूरी पर जाने पर होता यह है कि जैसे जैसे सिग्नल आगे जाते जाएंगे इनकी क्षमता कम होती जाएगी और ये आगे चल के वीक हो जाएंगे। वीक मतलब कमजोर, जैसे हम किसी गेंद को फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो जैसे जैसे गेंद ऊपर जाती जाती है उसकी गति धीमी होती जाती है, और एक टाइम ऐसा हो जाता है कि गेंद की गति इतनी धीमी हो जाती है और वो नीचे की ओर आने लगती है और कहीं ना कहीं उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स हावी हो जाती है। तो बात यह है कि जब सिग्नल यहां से निकाले गए, जनरेट किए गए, तब वो स्ट्रांग है, लेकिन जाते 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 वो वीक हो जाते हैं। वीक होने के बाद एम्पलीफायर इस डिवाइस का यूज करके उन सिग्नल्स को वापस फिर से रीजनरेट किया जाता है और उन सिग्नल्स को स्ट्रांग किया जाता है। आपने आमतौर पर केबल कंपनी वालों के पास तरह की डिवाइस देखी होगी जहां पे हमारे पास चैनल थोड़े कम होने लगते हैं या क्वालिटी खराब होने लगती है, तो वो लंबी दूरी के कारण होती है। उस परिस्थिति में वो एम्पलीफायर डिवाइस का उपयोग करके वीक सिग्नल्स को वापस से स्ट्रांग करते हैं। यूं कहा जा सकता है कि कॉक्सियल केबल ट्विस्टेड की तुलना में ज्यादा अधिक प्रभावशाली है, परंतु लंबी दूरी के मामले में जब दूरी अधिक होती है तो उस परिस्थिति में वो सिग्नल्स को वापस सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन नहीं कर पाता है कॉक्सियल केबल। उस परिस्थिति में एम्पलीफायर जैसी डिवाइस का प्रयोग करके उन वीक सिग्नल्स को दोबारा से रीजनरेट किया जाता है और उनको पुनः स्ट्रांग बनाया जाता है। तीसरा और लास्ट कम्युनिकेशन चैनल की कैटेगरी है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल कॉक्सियल केबल की तुलना में ज्यादा अच्छे तरीके से और लंबी दूरी के डेटा ट्रांसमिशन में हमारी मदद कर सकती है। डेटा ट्रांसमिशन का ये माध्यम कॉक्सियल केबल की तुलना में भी ज्यादा कॉस्टली है। इस टेक्निक में ग्लास फाइबर का यूज किया गया है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, और ये लाइट वेव्स की सहायता से, यानी प्रकाशीय तरंगों की सहायता से डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। डेटा ट्रांसफर करने की इसकी बैंडविड्थ पिछले जो दोनों मीडियम्स हमने पढ़े, यानी कि ट्विस्टेड केबल और कॉक्सियल केबल, दोनों की तुलना में कहीं अधिक होती है, और डेटा का ट्रांसफर इंटर ट्रांसमिशन होता नहीं है, जिसके कारण डेटा बाकी दोनों मीडियम्स की तुलना में ज्यादा अधिक सुरक्षित रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लंबी दूरी होने के बावजूद भी ये डेटा की स्ट्रेंथ, सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को बनाए रखता है। जैसे कि पिछले कॉक्सियल केबल में हमने समझा था कि लंबी दूरी में जब डेटा सिग्नल्स भेजे जाते हैं तब तो स्ट्रांग रहते हैं, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण कहीं ना कहीं वो सिग्नल वीक होने लगते हैं और फिर उनको एम्पलीफायर जैसी डिवाइसेस के माध्यम से या कंप्यूटर नेटवर्क में ये काम रिपीटर करता है। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको कि जिस तरह से डिस्क में या केबल कनेक्शन में स्ट्रेंथ मॉडिफाई करने के लिए, यानी सिग्नल्स को दोबारा शक्तिशाली बनाने के लिए एम्पलीफायर डिवाइस का यूज किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क में एम्पलीफायर के बजाय रिपीटर डिवाइस का यूज किया जाता है। दोनों का वर्क लगभग सेम है लेकिन संरचनाओं में अंतर है। यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क में अगर कभी सिग्नल छीन हो जाते हैं लंबी दूरी के कारण, अगर सिग्नल कमजोर हो जाते हैं, तो रिपीटर की सहायता से इन सिग्नल्स को मॉडिफाई करके दोबारा से स्ट्रांग बनाया जाता है। अब यहां पर फाइबर ऑप्टिक्स की बात करेंगे। फाइबर ऑप्टिक्स की खास विशेषता यह है कि लंबी दूरी होने के बावजूद भी, क्योंकि इसमें सिग्नल छीन नहीं होते, कमजोर नहीं होते, जिसके कारण इसमें एम्पलीफायर या रिपीटर जैसे कोई डिवाइस की आवश्यकता होती नहीं है। लास्ट में इस टॉपिक की समझे एक बार फिर समझ लेते हैं। डेटा ट्रांसफर करने के लिए, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जब कभी वायर की सहायता ली जाती है तो वायर को मूल रूप से तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, कॉक्सियल केबल, ट्विस्टेड केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। कीमत, मूल्य या उसकी प्रभाव शक्ति के आधार पर सबसे कमजोर श्रेणी में रखा जाता है ट्विस्टेड केबल को, जिसका मूल्य भी बाकी दोनों की तुलना में कम होता है और ये इसका प्रभाव कार्य करने की शक्ति भी बाकी दोनों की तुलना में कम होती है। इसके बाद का अगला वर्ग माना जाता है कॉक्सियल केबल को, इसका मूल्य ट्विस्टेड की तुलना में अधिक होता है और कार्य करने की शक्ति भी ट्विस्टेड की तुलना में अधिक होती है।
लास्ट में फाइबर ऑप्टिक्स, जिसका मूल्य बाकी दोनों केबल्स की तुलना में अधिक है, और डेटा ट्रांसफर की कैपेसिटी और क्वालिटी बाकी दोनों की तुलना में ज्यादा अधिक बेहतर मानी जाती है।